हेलो फ्रेंड्स, प्रभात एनकीजिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तंदूरी चिकन की रेसिपी। ये हमारे घर की रेसिपी है, आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, आप देख ही सकते हैं हमारा तंदूरी चिकन कितना परफेक्ट कुक हुआ है और अंदर से भी उतना ही जूसी है और पूरा फ्लेवर से भरा हुआ है। आपको बहुत पसंद आएगा ये। फ्रेंड्स, हमने अपना बारबेक्यू ग्रिल तैयार कर लिया है अपना तंदूरी चिकन पकाने के लिए। बारबेक्यू ग्रिल की एक बात है कि इस पे कोई भी किसी किस्म का भी आप कुकिंग करते हैं तो जो मीट होता है उसका फ्लेवर बहुत नेचुरल रहते हैं और वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये ओवर पावर नहीं करता स्पाइसेस के वो जो फ्लेवर को, नहीं तो बाकी ढंग से जैसे आप पकाते हैं तो उससे क्या होता है कि ओवर पावर हो जाते हैं फ्लेवर्स, उसका टेस्ट नहीं आता इतना अच्छा। और ये हेल्दी ऑप्शन है आपके खाने को पकाने के लिए, इसमें ज़्यादा ऑयल भी यूज नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, और अब हम इसको स्टार्ट करेंगे अपनी कुकिंग को। देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। और दोस्तों, इस ग्रिल में हम लावा रॉक यूज कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं बता देती हूँ इसमें क्या क्या स्पाइसेस डालेंगे। सबसे पहले 2 टीस्पून सॉल्ट या टेस्ट के मुताबिक सॉल्ट लीजिएगा। 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट जो बाजार का रेडीमेड होता है, घर का बिल्कुल भी यूज नहीं कीजिएगा क्योंकि आपका चिकन उससे बर्न होगा। इसके अलावा 4 से 5 टेबलस्पून हंकर्ड लेना, 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टेबलस्पून क्यूमिन पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और 2 टेबलस्पून लाइम जूस। इस सबको मिक्स कर लीजिए। ठीक है दोस्तों। और फ्रेंड्स, अब हमने 2 kg चिकन लिया था, आपको मैंने पहले भी बताया था, उसको कट कर लें अच्छे ढंग से ये नाइफ से। ये देख लीजिए, आपको स्लिट लगाने हैं या कट लगाने हैं, अच्छे ढंग से डीप कट लगाइएगा ताकि मसाला उसमें रच जाए। ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स, जो भी हमने मसाला बनाया था मैरिनेट करने के लिए उसको अच्छे ढंग से मिक्स कर लिया और चिकन को अच्छे ढंग से मैरिनेट कर ले। और चिकन अच्छा बनाने का यही रास है, उसको 2-3 दफा आप मैरिनेट करेंगे तो चिकन में वो स्पाइसेस एब्जॉर्ब होंगे। आप देखेंगे, आप 1 दफा लगाते हैं तो वो जो स्पाइसेस हैं वो ड्राई हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप उसको बार बार जब ड्राई होने पे आप फिर से मसाला ऊपर से लगाएंगे तो उसके अंदर जाके जितने भी स्पाइसेस हैं वो रच जाएंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा और खाने में भी बहुत मजा आएगा। वैसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। फ्रेंड्स, एक और चीज आपको बताना चाहती हूँ, इस स्टेप में हमने बिल्कुल ऑयल यूज नहीं करना। मैंने बिल्कुल ऑयल यूज नहीं किया। आप देख रहे हैं फिर से ये ड्राई हो गया, मसाला रच गया, तो ऊपर से फिर से हम जो भी है मसाला मैरिनेट फिर से कर देंगे इसको ताकि और भी एब्जॉर्ब हो जाए अच्छे ढंग से। ठीक है, ऑयल बिल्कुल नहीं यूज करना। एंड में जब पकाते वक्त हम बटर ही यूज करेंगे। मैं तो अमूल बटर यूज करती हूँ। ठीक है दोस्तों, वो बेस्ट रहता है। आप इस ढंग से बनाए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, चिकन को मैरिनेट करके आप 5 घंटे भी रख के बना सकते हैं, उसको फ्रिज में रख दीजिए या फिर आप पे है नेक्स्ट डे भी बना सकते हैं। देखिए बिल्कुल तैयार है, अब हम बनाते हैं इसे। ठीक है दोस्तों। और फ्रेंड्स, अब हम तंदूरी चिकन के साथ पुदीने की चटनी बनाने जा रहे हैं।
तंदूरी चिकन हमेशा है, या अगर पुदीने की चटनी ना हो तो उसका स्वाद नहीं आता। ये तो मस्त है, होनी चाहिए, उसका स्वाद ही बदल जाता है कि अगर पुदीने की चटनी साथ में आपको ताज़ी मिल जाए। और जो घर की चटनी है उसकी तो कुछ बात ही अलग होती है, क्योंकि सब कुछ हम फ्रेश डालते हैं, अपने ढंग से अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है उसमें। कुछ भी इजी है, इतना मुश्किल भी नहीं है इसको बनाना। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले पुदीना ले लीजिए, उसको साफ करके उसको धो के रख लें। ठीक है दोस्तों, और जो हमने इसको बनाने के लिए लिया है वो है मूली और ढेर सारा प्याज और दो टमाटर और ढेर सारी हरी मिर्चें। ठीक है दोस्तों, आप इसके अलावा अपने स्वाद अनुसार और भी चीजों को डाल सकते हैं। अगर आपको कुछ और पसंद है तो आप धनिया भी डाल लीजिए, आपको खीरा पसंद है वो भी डाल सकते हैं, ये आप पे है। ठीक है फ्रेंड्स, आपने चटनी में जो कुछ भी डालना है उसको आपको काटना पड़ेगा छोटा छोटा, ताकि जब आप ग्राइंड करें तो वो अच्छे ढंग से ग्राइंड हो जाए। उसको अच्छे ढंग से धो लीजिएगा और फिर काट लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स जब इसको ग्राइंड करना है आपने, उसके साथ में नमक और लाल मिर्च डाल लीजिए और साथ में दो नींबू का रस डाल लीजिए। ठीक है दोस्तों, और देखिए ये हमारी पुदीने की चटनी तैयार है। इतनी अच्छी बनी है, इसकी खुशबू इतनी अच्छी है कि मैं रुक नहीं सकती, मैं अभी इसको टेस्ट करना चाहती हूँ। और ये बहुत ही अच्छी, इसकी क्या खुशबू आ रही है दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं। और ये बहुत मजा आएगा आपको, बहुत टेस्ट इसका अलग ही हो जाता है तंदूरी चिकन के साथ। आप इसको जरूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। आप फिर एक दफा बनाएंगे तो इसे बार बार बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये मिंट मेयो डिप है, इसका तंदूरी के साथ बहुत मजा आता है। हमने ये घर में बनाया है, आपको भी इसका बहुत टेस्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, और फ्रेंड्स हमने जो भी जरूरत पड़नी थी जिन चीजों की, उनको पास में ही रखा है। आप जब भी इसको पकाते हैं तो जो भी चीजें पहले ही साथ में रखें, ताकि अगर आप उन चीजों को पास में नहीं रखेंगे तो आपका जो चिकन है वो जल भी सकता है, इसलिए पास में ही रखिए, पूरी तैयारी के साथ बनाए। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मैं चिकन को ग्रीस करने के लिए अमूल बटर यूज कर रही हूँ। ठीक है दोस्तों, ये बहुत अच्छा रहता है अगर आप चिकन बना रहे हैं तंदूरी चिकन, तो आप देखिएगा ये यूज करके अमूल बटर के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फ्रेंड्स चिकन को जब भी ग्रिल पे पकाते हैं उसको टर्न करते रहना है, ताकि आपका चिकन जल ना जाए। ठीक है दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखना।
फ्रेंड्स आप देख ही सकते हैं हमारा चिकन बहुत अच्छा पक रहा है, बहुत इसकी खुशबू आ रही है अभी से। और फ्रेंड्स यहाँ पे हम अमूल बटर लगा रहे हैं चिकन के ऊपर, देख लीजिए पक गया है। और आप इसको बटर को भी साथ में बारबेक्यू में चिकन के साथ ही रख लेंगे तो बटर पिघल जाएगा, आपको आसान हो जाएगा उसको कोट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और अब आप देख ही सकते हैं हमारा तंदूरी चिकन बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए दोस्तों। फ्रेंड्स अब हमने पूरी तैयारी कर ली है चिकन खाने के लिए, और ये मिंट मेयो डिप है, ठीक है फ्रेंड्स, जो हमने बनाया था, और ये मेयोनीज है, और ये साथ में पुदीने की चटनी है जो मैंने आज आपको बनाना सिखाई है। और आप इस प्लेट को सिर्फ तंदूरी चिकन का इंतजार है, और हम फिर इसको टेस्ट करेंगे और खाएंगे। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, मैं आपको क्या बताऊं,
इतना टेस्टी चिकन आपने नहीं खाया होगा। जो घर में जो चिकन बनता है वो इतना अच्छा बनता है, अगर आप एक दफा ट्राई करेंगे तो आप बाजार से खरीद के नहीं लाएंगे, आप बार बार घर में ही बनाना पसंद करेंगे। मुझे तो हमेशा जो तंदूरी चिकन जो बाजार से आते हैं उसमें बहुत ज्यादा स्पाइसेस डाल देते हैं, उसका स्वाद नहीं आता। चिकन हमेशा ऐसा होना चाहिए कि वो परफेक्ट हो, उसमें स्पाइसेस भी ऐसे होने चाहिए कि बहुत ज्यादा ना हो ताकि उसका टेस्ट खराब ना हो। आप एक दफा खाएंगे तो आप बार बार ये खाएंगे, आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा पका है, अंदर से भी ये बहुत ज्यादा जूसी है फ्रेंड्स। आप एक दफा इसको चख के देखें तो आपको मजा ही आ जाएगा, इसकी बात ही कुछ और है दोस्तों। आप जरूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और बना के हमें जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा है, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज ला सके। ठीक है फ्रेंड्स, एंजॉय कीजिएगा।